कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। आपको बताया कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। गैस कंपनियों ने सिलेंडर को 51.50 रुपए सस्ता किया है, तो वहीं जयपुर में अब 1,910.50 रुपए में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको बताया पेट्रोलियम कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है, जहां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन महासचिव कार्तिकेय गोड ने ये जानकारी दी है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बताएं कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में कमी की गई है, एक राहत की बात है जो कि लोगों को ये राहत प्रदान की गई है, जहां पर 91.50 पैसे इनकी कीमत कम की गई है। हालांकि साथ ही आपको जानकारी दें कि घरेलू सिलेंडर है उनकी उनमें ऐसी कोई कमी अभी तक नहीं की गई है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को एक राहत की सांस मिली है। आपको बताएं कि बढ़ते सिलेंडर को कीमत से लोग परेशान थे, सभी चाह रहे थे कि दामों में कहीं ना कहीं कमी की जाए, तो वहीं अब उन सभी लोगों को एक राहत की सांस मिली है। 91.50 पैसे सिलेंडर की कीमत कम की गई है। हालांकि आपको बताएं कि अभी तक घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। आपको बताएं कमर्शियल सिलेंडर 91.50 पैसे सस्ता हो गया है, जिससे लोगों में बड़ी खुशी व्याप्त है, तो लेकिन दूसरी तरफ बात करें घरेलू सिलेंडर की, तो घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई इजाफा अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि जो कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ता है उन्होंने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि 91.50 पैसे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, हम देख रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कहीं ना कहीं इजाफा किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहले लगातार बढ़े थे और ये 800 और 900 रुपए के आसपास इसकी कीमतें थी, जो एक बार लगभग 2000 रुपए तक पहुंच गई थी जी। और जिसको धीरे धीरे कम किया गया है, और जो कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबे और ये चाय की थड़ी या दूसरे इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, हाईवेज के जो रेस्टोरेंट हैं ढाबे हैं, ये सभी लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इनको ये राहत दी गई है। अगर इसको अप्रत्यक्ष रूप से माने तो ये उपभोक्ता के ऊपर भी इसका असर होता है, क्योंकि उनके जो खाने हैं या उनकी सर्विसेज हैं उसके ऊपर एलपीजी का जो ईंधन है गैस है, इसके जब कीमत बढ़ती है तो खाने की कीमतें भी बढ़ती हैं जी। तो इसको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये उपभोक्ताओं को भी राहत है, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अभी स्थिर है और काफी समय से इसमें ना वृद्धि की गई है ना इसको किसकी कीमतें घटाई गई हैं। फिलहाल ये स्थिर है, लेकिन इसको माना जा सकता है कि पिछली बार भी 36 रुपए कम किए गए थे कमर्शियल गैस सिलेंडर पर और अब ये 96 रुपए कम किए गए हैं, तो ये इसको राहत माना जा सकता है। 125 रुपए से ज्यादा ये 2 महीने में कीमतें कम हुई है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। आयुषी जी, देखिए अभी के साथ ही हम बात करें कि 91.50 रुपए जो है कम किए गए हैं एकदम से, जिसमें उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिला है, काफी राहत के साथ ली, पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें घरेलू सिलेंडर की, क्या लगता है उसमें भी कोई दामों में कुछ इजाफा किया जाएगा? देखिए, पहले एक परंपरा थी, एक सिस्टम था कि जो पेट्रोलियम कंपनियां थी वो महीने की आखिरी तारीख को एक समीक्षा बैठक करती थी और पहली तारीख को जिस समीक्षा बैठक में जो निर्णय लिए जाते थे कीमतों से संबंधित कम या ज्यादा करने के, तो वो 1 तारीख को लागू होते थे जी। पिछले महीने भी इसी तरह रहा
और इस महीने भी इसी तरह रहा है, लेकिन इससे पहले ये परंपरा टूटती हुई नजर आई थी, क्योंकि एक तारीख को कीमतें में जो बदलाव आया था उसके बाद महीने के बीच में भी इन्होंने बदलाव किए थे। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फिलहाल जो LPG है, गैस है, ये नेचुरल गैस है, इसकी कीमतें अभी स्थिर है, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं कि अब महीने के में भी ये इसमें कोई समीक्षा करेंगे या कम होगी। लेकिन ये एक महीने के बाद जो क्रूड ऑयल की और पेट्रोलियम और गैस की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी उसके ऊपर घरेलू गैस के दाम निर्भर करते हैं, तो कि कंपनियां आगे उसी को देखकर डिसीजन ले सकती हैं। महीने के बीच में भी ये समीक्षा बैठक हो सकती है। आयुषी जी, भी क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।